हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे चैप्टर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस चैप्टर के अंदर वैसे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 8.1 में बेसिकली दो चीज़ों का यूज़ है। एक तो है रेशियो और एक है परसेंटेज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेशियो और परसेंटेज एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहले आप रेशियो को समझेंगे कि रेशियो क्या होती है। देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी है, उसका नाम है राम और उसकी एज है 40 ईयर्स, और उसका बेटा है सन, उसकी एज है 15 ईयर्स। और आपसे कहा जाए कि राम और उसके बेटे की एज का रेशियो निकालिए, तो क्या करेंगे? राम को हम पहले लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे उसके बेटे को, यानी कि सन को। राम के सामने राम की जो वैल्यू है ईयर की, 40 ईयर्स, ये उतार देंगे, और नीचे सन, 15 ईयर्स। अब इसको काट देंगे, ईयर से ईयर कट गया, 40 और 15 जो है 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं दोनों, तो ये 5 से कट जाएंगे दोनों। जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8, और 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। तो इस तरह से राम रेशियो सन हो जाएगा 8:3। आंसर में आपको इस तरह से लिखना है, जिनका रेशियो निकालना होता है इस तरह से, ये जो दो डॉट्स होती है ना, रेशियो का निशान होता है एक्चुअली। तो राम और सन की एजिस का जो रेशियो है वो 8:3 है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो सन को पहले बोल देता है और राम को बाद में बोलता है, यानी वो कहता है कि सन इज टू राम निकालिए, यानी बेटे का और उसके पिताजी जो कि राम है उनका रेशियो निकालिए, फिर आप सन को पहले लिखेंगे और राम को नीचे लिखेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे, तो ये हो गया 15 इयर्स और ये होगा 40 इयर्स। ईयर से ईयर कट गया, ऊपर 3 आ गया 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करके नीचे 8 आ गया। तो अब निकाल रहे हैं हम सन इज टू राम, तो सन को पहले लिखेंगे, सन की जो वैल्यू आई है 3 उसे पहले लिखेंगे, इज टू फिर 8। तो रेशियो के अंदर बेसिकली आपको ये ध्यान देना होता है कि जो दो चीज़ें दे रखी होती है ना, उनमें पहले किसको बोला गया है, जिसको पहले बोला गया है उसे आपको पहले लिखना है। रेशियो बस यही रेशियो, इससे अलग और रेशियो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं परसेंटेज पे। देखिए, परसेंटेज जो होता है वो दो अक्षरों से मिलकर बनता है, एक तो पर और एक सेंट। पर का मतलब होता है एक, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट, सेंचुरी तो सुना होगा आपने, सेंचुरी क्रिकेट के मैच में सेंचुरी वर्ड सुना होगा, जब 100 रन मार देता है क्रिकेटर तो बोलते हैं कि सेंचुरी मार दी उसने, तो 100 रन को सेंचुरी बोलते हैं। तो ये जो सेंचुरी से 100 आया है ना, मतलब 100 का मतलब ही सेंचुरी होता है, CENT, सेंट। सेंट का मतलब है 100, और परसेंटेज का मतलब बनता है कि 100 में से कितना, कि 100 में से कितना आया। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे का एग्जाम हुआ, 100 नंबर का एग्जाम था और उसके 70 मार्क्स आ गए, तो हमें बताना कि परसेंटेज कितनी आई उसकी। तो यहां तो नीचे 100 साफ साफ दिख रहा है कि 100 में से 70 आए हैं, तो इसे हम बोलेंगे 70%, इसको हम 70% बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर किसी बच्चे का 200 मार्क्स का पेपर था और 200 मार्क्स में से उसको मिले 60 मार्क्स, तो अब बताइए कि इसका परसेंटेज कितना होगा। अब आप सोचेंगे कि नीचे तो 100 है ही नहीं, हम कैसे पता चलाएंगे, यहाँ तो 100 था तो हमने साफ साफ बता दिया कि 100 में से 70, यानी कि 70%, यहाँ तो साफ साफ 100 दिख नहीं रहा नीचे। तो परसेंटेज निकालने का किसी भी तरह का सवाल हो आपका, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, परसेंटेज निकालने का एक यूनिवर्सल रूल है कि जिस भी आपको फिगर का परसेंटेज निकालना है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो सॉल्व होके आएगा वही आपकी परसेंटेज होगी। तो इसे सॉल्व करते हैं, दो जीरो से दो जीरो कट गए, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 30, यानी जिस बच्चे के 200 में से 60 नंबर आए हैं ना, उसकी परसेंटेज 30% आई है, उसको 30% मार्क्स मिले हैं, यानी 100 में से उसे 30 मिले हैं। तो 100 में से अगर 30 मिले हैं तो 200 में से 60 हो गए, समझ में आ गई ना बात। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी तरह के।
अब किसी बच्चे का एग्जाम हुआ, छोटा सा एग्जाम हुआ 5 नंबर का, 5 में से उस बच्चे के मार्क्स आ गए 3, तो अब बताइए इसके कितने परसेंट मार्क्स आए। तो वो ही रूल है कि जो भी आपको दे रखा है, जिसका परसेंटेज आपको निकालना है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको साफ साफ बिल्कुल परसेंटेज पता चल जाएगी। अब इसे सॉल्व करें तो 5 और 100 कट रहे हैं आपस में, 5 वन ज़ार ये 20 पे आ गया, 23 ज़ार 60, तो यानी उस बच्चे के 60% मार्क्स आए हैं। तो ये तो होती है परसेंटेज। अब परसेंटेज के अंदर आपको ध्यान देने की चीज़ है जो मैं अभी बताऊंगा, कि बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। इसी क्वेश्चन पे आप ध्यान दें, लास्ट वाले एग्जांपल पे देखिए, ये यहाँ पे 5 क्या था, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब है जितने मार्क्स का एग्जाम था, तो टोटल मार्क्स भी हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, यानी कि ये टोटल चीज़ है। और ये ऊपर 3 क्या है, जितने उसके आए, और ये जो 60 है ये क्या है, ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज के क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 3 ही चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पे हम याद रखेंगे कि वो चीज़ जो टोटल है, टोटल वैल्यू है जो। नंबर 2 हम याद रखेंगे कि जो टोटल में से कितना आया है, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में से बच्चे के 3 नंबर आ गए, तो टोटल में से कितना आया, ये चीज़। और तीसरी चीज़ होगी परसेंटेज, ये हम नंबर 3 पे रखते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में इन 3 चीज से अलग और चौथी चीज कोई नहीं होती है परसेंटेज में, और क्वेश्चन में इन 3 में से कोई 2 दे देगा और तीसरी आपसे पूछ लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे पूछेगा वो ध्यान देना आप। इसी क्वेश्चन में देखो, यहां तो मुझे सब पता है कि 5 नंबर का एग्जाम था, 3 नंबर आ गए, तो टोटल 60% मार्क्स बच्चे के आ गए। इसके अंदर क्या पूछा, परसेंटेज पूछा। तो फर्स्ट ये चीज है कि आपसे परसेंटेज पूछ लिया, तो एक चीज तो निकालनी आपको आ गई, कि परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है, टोटल चीज नीचे लिखो, जो आई है ऊपर लिखो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे ये कह दिया जाता कि किसी बच्चे के 5 नंबर का एग्जाम हुआ है और उस बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं वो पता नहीं है, पता नहीं है तो यानी कि एक्स, हमने मान लिया एक्स आए, हमको मालूम नहीं है कितने आए हैं, और ये भी बता दिया कि उस बच्चे के जो मार्क्स है ना वो 60% है, तो बताइए 5 में से उस बच्चे के कितने नंबर आए होंगे। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों की चारों जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये अपनी अपनी जगह पे लग जाएंगी। देखिए, टोटल मार्क्स जितने का पेपर है अपनी जगह लग गया 5, 60% दे दिया इस बार इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लग गया, जितने उसके मार्क्स आए वो हमें पता नहीं है, वो हमने एक्स मान लिया क्योंकि वो हमें निकालना है, और यहाँ पे 100 लगता है आपको पता है रूल के हिसाब से। तो इस चीज को, ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही हमें एक्स पता चल जाएगा, यानी उस बच्चे के मार्क्स कितने आए ये पता चल जाएगा। चलिए एक्स निकालते हैं। अब इक्वेशन का रूल आपको पता होगा कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला छोड़ देते हैं, और उसके पास जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चली जाती है, और जो यहाँ डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, यानी कि ऊपर चली जाती है। अब इसे सॉल्व करें, ये 20 से कट गया, 23 हज़ार, और ये 25 हज़ार, ये 5 5 पूरा कट गया, एक्स आया 3, यानी कि बच्चे के 5 में से 3 नंबर आए, तो यहां भी आपको दिख रहा है कि 5 में से 3 ही आए। तो आपसे कितनी चीज आई ये पूछ सकता है, नंबर 2 बात। नंबर 3 ये भी पूछ सकता है कि बता दिया कि कोई एग्जाम हुआ, कितने नंबर का हुआ ये आपको नहीं बताया, यानी ये चीज आपको पता नहीं है इस बार नीचे वाली, और उस एग्जाम में बच्चे के मार्क्स आए 3, टोटल मार्क्स में से 3 नंबर आ गए, और ये भी बता दिया कि वो 60% है। तो अब आपने वैल्यू भर दी, क्वेश्चन को समझ के तीनों चीजें भर दी, परसेंटेज की जगह परसेंटेज भर दिया, और टोटल की जगह आपको पता नहीं है एक्स मान लिया, और जितने आए वो ऊपर लिख दिया, और रूल के हिसाब से यहां पे 100 होता है। तो अब आपको एक्स की वैल्यू निकालें, यानी टोटल पेपर कितने नंबर का था। तो इस बार जो एक्स है ना वो आपका नीचे है, एक्स कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, ये आमने सामने होना चाहिए। तो इस एक्स को जब मैं, ये डिवाइड में है ना यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 60 × x हो जाएगा। अब सामने चला गया यानी कि ठीक हो गया, और इधर क्या बचा, 3 × 100। अब मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो दूसरी तरफ जो चीज़ है वो तो अपनी जगह ही लिखी रहेंगी, और एक्स के पास जो चीज़ है उसको हटाना होता है,
यहां पे 60 है और मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 20 के टेबल से ये दोनों कट गए, 23,000 और 25,000, और 3,3 से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 5। और 5 नंबर का ये एग्जाम था, एक ही एग्जाम्पल से तो सीख रहे हैं हम सारे पार्ट्स को। तो परसेंटेज के अंदर आपकी तीन ही चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ जो टोटल होती है उसमें से कितना आया वो चीज़, और कितना परसेंट बना वो चीज़। कोई दो पूछ लेगा आपसे, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी, और वो निकालना इतना आसान है। चलिए ये था इसका इंट्रोडक्शन, अब इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रेशियो निकालनी है। पहला क्वेश्चन है, मैं बुक से पढ़ता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट पार्ट में आपको रेशियो निकालनी है, एक साइकिल है उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ साइकिल का रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ स्कूटर से। अब क्योंकि क्वेश्चन में साइकिल पहले लिखा हुआ है, तो साइकिल मैंने पहले लिखी है, स्कूटर बाद में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने स्कूटर को नीचे लिखा है। इनकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, ये साइकिल की स्पीड है। स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट्स आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कभी कभी ये यूनिट सेम नहीं होती है, तो फिर आपको सेम बनानी पड़ती है। तो ये तो पूरा सेम ही है, पूरा कट गया, 15 और 30 आपस में कट गए, 15 वन ज़ार 15 होता है, 15 टू ज़ार 30 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, सॉरी ये 15 वन ज़ार 15 और 15 टू ज़ार 30, यहाँ 2 लिखना है मेरे को, 2 पे गया ना ये, 15 के टेबल से काट दिया। तो इसका जो आंसर बना आपका वो बना 1:2। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अच्छा लिखना चाहें, स्पीड ऑफ साइकिल इज टू स्पीड ऑफ स्कूटर, ये इसका एक्चुअल तरीका है, जैसे आपको लिखना चाहिए एग्जाम में। तो स्पीड ऑफ साइकिल कितना 1:2, स्पीड ऑफ स्कूटर कितना 2, ऐसे आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है 5 मीटर और फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 10 किलोमीटर, तो मैं 5 मीटर को ऊपर लिखूंगा, 10 किलोमीटर को नीचे लिखूंगा। अब देखिए किलोमीटर और मीटर तो सेम यूनिट नहीं है, तो हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए आप ये हमेशा याद रखना कि बड़ी वाली यूनिट को चेंज करके छोटा यूनिट बनाना होता है। छोटे को कभी चेंज नहीं करते हैं, बड़ी को चेंज करते हैं। यहाँ पे बड़ी है किलोमीटर, तो किलोमीटर के हम मीटर बनाएंगे, मीटर को तो हम मीटर ही रहने देंगे, किलोमीटर वाली चीज़ को चेंज करेंगे। अब 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1,000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर्स होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने हो गए, 10,000 हो गए, सिंपल। और मीटर का मीटर, अब देख रहे हैं ना आप, यूनिट सेम हो गई ना, तो सेम यूनिट इसलिए बनाई जाती है ताकि ये कट जाए। अब 5 और 10,000 आपस में कट रहे हैं, दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2,000 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 1:2,000। चलिए सी पार्ट देखिए इसका। सी पार्ट में 50 पैसे, पहले लिखा हुआ है 50 पैसे, तो मैं ऊपर लिखूंगा 50 पैसे, फिर लिखा हुआ है 2 रुपीज़ 5, तो मैं ₹5 को नीचे लिखूंगा। अब रुपीज़ और पैसे ये भी सेम यूनिट नहीं है, तो इन्हें सेम बनाना पड़ेगा, और छोटा होता है पैसा, तो दोनों को पैसा ही बनाना है, तो पैसे वाली चीज़ तो पैसे ही रहेगी, और रुपीज़ को हम पैसे बना लेंगे। अब रुपीज़ और पैसे का तो आपको रिलेशन पता है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये के अंदर कितने होंगे, 500 होंगे, सिंपल। तो अब देखो आप, ये यूनिट सेम सेम हो गई ना, तो पैसे से पैसा कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 वन ज़ार 5 होता है और 5 टेन ज़ार 50 होता है आगे रेशियो, तो ये हो गया आंसर आपका 1:50। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, उसमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज तो मैंने अभी सिखाई ना आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप,
कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। रेशियो दे रखी है आपको, ए नंबर पे रेशियो दे रखी है 3:4, ये रेशियो है, जैसे ये रेशियो है, इस रेशियो को आपको परसेंटेज बनाना है। तो पहले तो रेशियो को इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, जैसे 150, 1:50 को 1/50 लिखते हैं, तो इसे भी हम ऐसे लिखेंगे। तो 3/4 लिख लिया मैंने, और परसेंटेज बनाने का मैंने एक ही रूल बताया है कि आप मल्टीप्लाई 100 से कर दें, सिंपल। तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 और 100 कट रहे हैं आपस में, 4 1 पे कट गया, और इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, और यहाँ 25 को 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया 75, और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज का निशान। तो 3:4 की जो रेशियो है वो 75% बन गई। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में रेशियो दे रखी है 2:3, तो 2 को ऊपर लिख लेंगे, 3 को नीचे लिख लेंगे, और परसेंटेज बनाने के लिए इसको कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब 100 और 2 ऊपर है, नीचे 3 है, 3 से कोई भी नहीं कट रहा ऊपर वाला, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, सिंपल एक ही ऊपर ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया ये 200, और नीचे 3 को एज इट इज लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे हम 200 को 3 से, तो 3 6 18, और ये 2 आ गया, ऊपर से 0 उतर गया, फिर से 3 6 18 हो गया, ये 2 आ गया, बस यहीं छोड़ देते हैं, ये रिमाइंडर है। जब भी आपका कोई फ्रैक्शन ऊपर बड़ा हो ना, तो आप ये डिवाइड करके ना उसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर कर लिया करें। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका आंसर 3 नंबर में आ जाता है, जो यहाँ एक क्वेश्चन होता है ना, ये आपका मेन आंसर होता है, और जो रिमाइंडर होता है ना, ये ऊपर लग जाता है, और नीचे की चीज़ सेम टू सेम रहती है, वो अपनी जगह पे ही रहती है। तो इसका जो आंसर है ना, वो ये है। अब क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगा दोगे। तो इतना सिंपल है। तो इस वीडियो में आपने रेशियो और परसेंटेज सीखा। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।